नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। जहां पर दोस्तों आरसीबी टीम की नीली जर्सी, इसके अलावा भाइयों केकेआर और आरसीबी टीम के बीच में मुकाबले की तारीख को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। वहीं दोस्तों विराट कोहली को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। तो भाइयों, सारी अपडेट्स के बारे में खुलकर विस्तार से हम सारी बातचीत जो है आगे इस वीडियो में करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी डेली अपडेट्स अब तक हमेशा पहुंचते रहे। वही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक न्यूज़ मिलती रहती है। बाई चांस आरसीबी टीम से जुड़ी न्यूज़ नहीं भी आती तो वहां पर आपको क्रिकेट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो डेली मिलती रहेंगी, तो भाइयों उसे भी जाकर फटाफट ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर दोस्तों आरसीबी टीम की नीली जर्सी को लेकर, जहाँ पर भाइयों आज सुबह जो है आरसीबी टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका ऐलान किया था। आज के मैच में आरसीबी टीम से जर्सी पहनकर मैदान में उतरने नहीं वाली है। आने वाले किसी एक मैच में जो आरसीबी टीम जर्सी पहनकर, ब्लू जर्सी पहनकर मैदान में उतरने वाली है, और उसी मुकाबले में जो आरसीबी टीम ब्लू जर्सी पहनेगी। मगर दोस्तों आज का मैच भी जो है वो पोस्टपोन हो गया है। अब केकेआर और आरसीबी टीम के बीच में मैच कब होने वाला है, इसको लेकर भी बीसीसीआई ने फिलहाल अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है तारीख को लेकर। वहीं दोस्तों बीसीसीआई ने यह कह दिया है कि वो इस मैच को जो है रिशेड्यूल करने वाले हैं, यानी कि आने वाले किसी एक दिन जो है आरसीबी टीम अपना ये मुकाबला खेलेगी। तो भाइयों इसकी तारीख क्या होगी, आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वही दोस्तों फिलहाल आईपीएल 2021 के मुकाबले आगे खेले भी जाएंगे या फिर कब से खेले जाएंगे, क्या कल का मैच होने वाला है फिर नहीं, इसको लेकर भी फिलहाल अभी तक संशय बना हुआ है। वहीं आईपीएल से जुड़ी हर एक अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ। फटाफट टेलीग्राम पर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी न्यूज़ मिलती रहेंगी। तो भाई हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर केकेआर और आरसीबी टीम के बीच में होने वाले मैच की तारीख को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बात करें हम इस मैच की, तो ये मैच जो है आज होने वाला था, मगर दोस्तों केकेआर की टीम से वहाँ पर दो प्लेयर कोरोना पॉजिटिव निकल गए, जिसकी वजह से इस मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस मैच को बीसीसीआई जो है रिशेड्यूल करने वाली, यानी कि दोस्तों आने वाले किसी एक तारीख में जो है मैच खेला जाने वाला है। वहीं भाइयों रिपोर्ट से निकल कर आ रही है कि स्पोर्ट्स टुडे जो कि एक वेबसाइट है, इसके अनुसार जो है केकेआर के सारे प्लेयर्स जो है क्वारंटाइन में डाल दिए गए हैं। 6 मई तक जो है केकेआर के सभी खिलाड़ी जो है क्वारंटाइन में रहेंगे और कड़क क्वारंटाइन में रहने वाले हैं। अब ऐसे में दोस्तों 6 मई को जो है आरसीबी टीम को पंजाब के खिलाफ मुकाबला खेलना है। 6 मई को पंजाब और आरसीबी टीम का मुकाबला होने वाला है। तो भाइयों अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि 7 मई को जो है केकेआर और आरसीबी टीम के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो मैच आज होने वाला था। क्योंकि भाइयों 6 मई को जो है आरसीबी टीम को वहाँ पर 9वां मैच था, मगर दोस्तों अब 8वां मैच जो आरसीबी टीम का यहाँ पर रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो 7 मई को जो है आरसीबी टीम केकेआर के खिलाफ खेल सकती है अपना 8वां मैच। हालांकि इस चीज़ पर फिलहाल अभी तक बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी है, ना तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है बीसीसीआई ने। ये मात्र दोस्तों स्पोर्ट्स टुडे की वेबसाइट के अनुसार ये रिपोर्ट जो है छापी गई है, जहां पर दोस्तों ये माना जा रहा है कि 7 मई को जो है आरसीबी और केकेआर के बीच में मुकाबला हो सकता है। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, ये चीज़ तो हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर तीसरी अपडेट की। तो भाई तीसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर विराट कोहली को लेकर, जहाँ पर दोस्तों तमाम फैंस सोशल मीडिया पे ये मान रहे हैं कि विराट कोहली जो है आने वाले मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करे, ताकि जो है आरसीबी टीम के मिडल ऑर्डर को वहाँ पर थोड़ी सी मजबूती मिले। ओपनिंग करने के लिए वहाँ पर दोस्तों या तो अजहरुद्दीन या फिर फिन एलन को मौका दे सकती है आरसीबी टीम, जो कि पर्टिकल के साथ मिल करके अच्छी खासी ओपनिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं। वही दोस्तों फैंस ये मान रहे हैं कि विराट कोहली को जो है वहाँ पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना चाहिए, ताकि जो है मिडल ऑर्डर में वो मैचेस को फिनिश कर सके, देर तक बल्लेबाजी कर सके। अब आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को नंबर 3 पर खेलना चाहिए या फिर ओपनिंग ही करनी चाहिए, या हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये हमारे आरसीबी टीम से जुड़ी सारी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।